तुष्टिकरण ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। आज तो हालात ये हो गई है कि कांग्रेस के राज में कर्नाटका में गणपति जी को भी सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। गणपति जी को पुलिस के डिब्बे में बंद कर दिया। पूरा देश आज गणेश सत्य की वकालत करते थे। आजादी के बाद कुछ वर्षों तक कांग्रेस पर भी महात्मा गांधी जी के संस्कारों का असर रहा, लेकिन आज ये वो पुराने वाली कांग्रेस नहीं है। आज की कांग्रेस जाने ये अर्बन नक्सल का नया रूप बन गई है। कांग्रेस को अब झूठ बोलने में कोई शर्म नहीं आती। कांग्रेस का झूठ पकड़ा जाता है तो भी उसको शर्म नहीं आती। कांग्रेस हर रोज एक नया झूठ बोलती है। कांग्रेस देश की एकता पर लगातार हमला कर रही है। कांग्रेस द्वारा पूरी तरह से नक्सलवादी विचार देश पर थोपा जा रहा है। भाजपा को बदनाम करने के लिए, उसे भारत को बदनाम करने में शर्म नहीं आ रही है। इसलिए आपको कांग्रेस और उसके साथियों से सावधान रहना है। साथियों, आज मैं हरियाणा की धरती से एक और विषय उठाना चाहता हूं। भारत में सबसे बड़ा दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी, आदिवासी विरोधी अगर कोई है तो वो कांग्रेस का परिवार है। अभी इन लोगों ने कहा है कि सरकार में आए तो दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। यही इस परिवार की सच्चाई है। कांग्रेस का परिवार हमेशा से ही बाबा साहब आंबेडकर जी को नफरत करता था, आरक्षण का घोर विरोध करता रहा है। इस परिवार ने हमेशा दलितों, ओबीसी, आदिवासियों का अपमानित किया है। आप याद रखिए, नेहरू जी जब पीएम थे तो उन्होंने आरक्षण का विरोध किया था, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी, सबूत मौजूद है। और इतना ही नहीं, नेहरू जी ने यह भी कहा था कि आरक्षण वाले नौकरी पा जाएंगे तो सरकारी सेवा की क्वालिटी खराब हो जाएगी। ये नेहरू जी के शब्द है। नेहरू जी ने ओबीसी आरक्षण के लिए काका साहब कालेरकर का जो कमीशन गठित हुआ था उसकी रिपोर्ट आई थी, ओबीसी समाज का भाग्य बदलने वाली रिपोर्ट थी, लेकिन पंडित नेहरू ने उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। नेहरू जी के बाद जब इंदिरा जी आई तो उन्होंने भी ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा कर रखी। जब देश ने उनको सजा दी, जनता पार्टी की सरकार बनी मोरारजी भाई के नेतृत्व में, तब मंडल आयोग बना। लेकिन फिर कांग्रेस आ गई और मंडल कमीशन की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी गई। इसके बाद
राजीव जी ने भी अपनी सरकार में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलने दिया, जब केंद्र में भाजपा के समर्थन से अटल जी की सरकार बनी तब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, वीपी सिंह की सरकार बनी अटल जी के जनसंघ ने भाजपा ने समर्थन किया था उस समय, और तब जाकर के ओबीसी समाज को आरक्षण मिला जब भाजपा का समर्थन था। और आप ये भी याद रखिए, राजीव गांधी ने नेता विपक्ष के रूप में भी ऑपोजिशन लीडर के नाते पार्लियामेंट में उनका भाषण है, उन्होंने आरक्षण का पुरजोश विरोध किया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में, ये शब्द उनके हैं मैं बताता हूं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, उन्होंने यहां तक कह दिया था, आरक्षण पाने वालों को बुद्धू तक कह दिया था ये राजीव जी ने। एससी एसटी ओबीसी समाज का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। अब कांग्रेस का शाही परिवार फिर आरक्षण खत्म करने पर अड़ रहा है, लेकिन मेरी बात कांग्रेस कान खोल करके सुन ले, जब तक मोदी है तब तक बाबा साहब अंबेडकर के दिए आरक्षण में से रत्ती भर भी लूट नहीं करने दूंगा, हटाने नहीं देने दूंगा। एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण रहेगा, ये मोदी की भी गारंटी हो और भविष्य में उसके लिए लड़ाई लड़ने की भी गारंटी है। साथियों, कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा हरियाणा से बेहतर कौन जानता है। हरियाणा में जब जब कांग्रेस की सरकार आती है तो दलितों का जीना मुश्किल हो जाता है। 2005 में गोहाना में कितना बड़ा कांड हुआ था, क्या उसे कोई दलित परिवार भुला सकता है। 2010 में मिर्चपुर कांड को क्या कोई भूल सकता है। 2012 में भगाना में जो कुछ हुआ था, फिर 2014 में दलित बेटियों के साथ जो कुछ हुआ था, उस शर्मनाक घटना को याद करके ही रूह कांप जाती है। तब हमने ये भी दिखाया था कि मुख्यमंत्री हुड्डा जी और इनका दिल्ली का शाही परिवार सबके सबके मुंह पर ताले लग गए थे। इसलिए कांग्रेस से यहां के दलित समाज को बहुत सचेत रहने की जरूरत है। मैं तो कांग्रेस से एक और बात बताऊंगा। पहले कांग्रेस में जो एक अंदरूनी महाभारत चल रही है, अरे जरा उसे तो संभालो। जिस तरह यहां एक परिवार को आगे बढ़ाकर कांग्रेस राजनीति कर रही है, वो पूरा दलित समाज देख रहा है। साथियों, भाजपा की सरकार पूरी ईमानदारी से हरियाणा के विकास में जुटी हुई है, जबकि कांग्रेस की सरकार के दौरान यहां भ्रष्टाचार ही संस्कार बन गए थे। इसका बहुत बड़ा नुकसान हरियाणा के नौजवानों को हुआ। जब यहां कांग्रेस की सरकार थी
तो खर्ची और पर्ची के बिना नौकरी नहीं मिलती थी। भाजपा सरकार ने खर्ची पर्ची के इस खेल को बंद कर दिया है। इसकी प्रशंसा आज पूरे देश में हो रही है। भाजपा सरकार ने पूरी पारदर्शिता से यहां करीब 1.5 लाख सरकारी नौकरियां दी है। अभी भी हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी 25,000 युवाओं को नौकरी देने जा रहे थे, लेकिन कांग्रेस के भर्ती रोको गैंग ने उसमें अड़ंगा डाल करके रख दिया। लेकिन हरियाणा के नौजवानों, आप चिंता मत करिए, 8 अक्टूबर के बाद फिर भाजपा सरकार बनेगी तो इसी कार्य से नए कार्यकाल का श्री गणेश किया जाएगा। साथियों, हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार आने का मतलब है सबका विकास, तेज विकास। तीसरे टर्म में कुरुक्षेत्र को सांस्कृतिक पर्यटन का बड़ा सेंटर बनाने का हमारा अभियान तेज होगा। गीता महोत्सव और ज्योतिसर अनुभव केंद्र यहां बन चुके हैं। संत रविदास जी के भव्य स्मारक पर भी काम शुरू हो चुका है। विकास कैसे हर काम तेजी से हो, इसके लिए तीसरी बार यहां पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनानी है। 5 अक्टूबर को कमल निशान पर उंगली दबानी है। आप सभी के आशीर्वाद गीता की पावन धरती पर आए कई मने गणी खुशी हो रही से। कुरुक्षेत्र में आना भारत की संस्कृति के तीर्थ के दर्शन करना मन को भर देता है। यहां गीता का ज्ञान है, यहां सरस्वती सभ्यता के निशान है। ये गुरु गोविंद सिंह जी की 6ठी पातशाही की धरती है। यहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चरण पड़े हैं। ऐसी पावन धरती से मैं आपसे फिर एक बार भाजपा सरकार बनाने का निवेदन करने आया हूं। आपने दिल्ली में लगातार तीसरी बार मुझे सेवा का अवसर दिया है और यहां जो उत्साह दिख रहा है, मेरा राजनीतिक अनुभव मुझे कहता है कि हरियाणा ने भाजपा की हैट्रिक लगाना तय कर लिया है। अभी मुझे मेरे संसद के साथी नवीन जी बता रहे थे कि आप पिछले 50 साल का इतिहास देख लीजिए। हरियाणा की एक विशेषता रही है, दिल्ली में जिसकी सरकार होती है हरियाणा में भी उसी की सरकार बनाते हैं, कभी भी उलटफेर नहीं होने देते। भाइयों बहनों, कुरुक्षेत्र से तो हमारे मुख्यमंत्री जी खुद ही यहां उम्मीदवार है। आज हरियाणा के इस बेटे की प्रशंसा
पूरे देश में होती है। इतने कम समय में बहुत कम लोगों को इतनी लोकप्रियता मिलती है और इसका कारण भी है हमारे मुख्यमंत्री जी 24 घंटे हरियाणा के विकास के लिए समर्पित रहते हैं। हरियाणा का जो भी व्यक्ति मिलेगा वो कहता है कि भाई हमारे मुख्यमंत्री जी तो विनम्रता के संबंध में, नम्रता के संबंध में हमारे हरियाणा का गौरव बढ़ा देते हैं। उनका व्यक्तित्व बहुत सहज है, वो बहुत सहज रूप से उपलब्ध है। और आप देखिए, पिछड़े समाज से निकलकर यहां इस बड़े पद पर पहुंचना और इस पद को भी पचा करके नम्रता का साथ जीना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मुझे हरियाणा में अनेक वर्षों तक काम करने का अवसर मिला है। यहां बहुत सारे मेरे पुराने साथी बैठे हैं। जब मैं मुख्यमंत्री जी की तारीफ